यू अर्न कैशबैक ऑफ 40 रुपीज। तो वीव रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे। वीव रिवॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं ये वाला स्क्रैच कार्ड मिला हुआ है, मैं इसको स्क्रैच करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं गाइस 40 रुपीज इंस्टेंट कैशबैक मिल चुका है और ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। गाइस रिचार्ज करने पे आपको 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता, तो मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक का यूज करके आप जितनी बार भी आप रिचार्ज करेंगे आप हर नंबर पे 40 रुपए आपको कैशबैक मिलेगा। तो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको न्यू नंबर से साइन अप कर लेना है। न्यू नंबर से साइन अप करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं आपको 40 रुपीज इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे वेलकम ऑफर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखते हैं मेरा एक पेमेंट बचा हुआ है, एक पेमेंट मैं कर दूंगा तो 40 रुपीज कैशबैक इंस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं मैंने ये सारा टास्क कंप्लीट कर लिया है और इसकी वैलिडिटी रहती है 21 दिन। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं आपको स्कैन एंड पे करना होगा मर्चेंट पे 50 रुपीज, और फ़ोन नंबर पे 50 रुपये सेंड करना होगा और 50 रुपये बैंक ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये दोनों तो आप इजीली कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पे सेंड करना है और बैंक ट्रांसफ़र करना है 50 रुपये। और ये वाले में आपको क्या करना होगा, पेटीएम का मर्चेंट आप बना लीजिए। मर्चेंट आईडी बनाने के बाद आपको उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद सेंड कर देंगे, ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा आपका। और एक टास्क बचेगा मोबाइल रिचार्ज। आपको मिनिमम 50 रुपये का रिचार्ज करना है तो आपको 40 रुपीज कैशबैक मिल जाएगा। इसमें अप टू वाला सिस्टम नहीं है, आपको 40 रुपीज फ्लैट मिलेगा। तो मैं रिचार्ज कर ले रहा हूँ, रिचार्ज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। गाइस मैंने रिचार्ज सक्सेसफुल कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लेम वेलकम रिवॉर्ड, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब रिफ्रेश हो रहा है ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं यू अर्न कैशबैक ऑफ 40 रुपीज। तो वीव रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे। वीव रिवॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्क्रैच कार्ड मिला हुआ है, मैं इसको स्क्रैच करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं गाइस 40 रुपीज इंस्टेंट कैशबैक मिल चुका है और ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 40 रुपीज। अभी यहाँ पे देखते हैं ये प्रोसेसिंग में है, और अगर से 40 रुपीज कैशबैक आपको इंस्टेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 दिनों के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मैं यहाँ से बैक कर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से बैक कर लिया है। मैं गॉडिट पे क्लिक करता हूँ। अब गाइज यहाँ पे देखते हैं वेलकम वाला ऑफर यहाँ पे हट चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम वाला ऑफर हट चुका है। मैं आपको हिस्ट्री में दिखा दे रहा हूँ मुझे मिला कि नहीं। मैं यहाँ पे शो हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं 40 रुपीज कैशबैक मेरे अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट हो चुका है। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे इस अकाउंट में आपका क्रेडिट हुआ होगा। तो यहाँ से मैं बैक कर ले रहा हूँ। अब आपको मल्टीपल टाइम रिचार्ज करना है तो आपको कैसे करना होगा, आपको अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसको लॉग आउट कर देना है। तो यहाँ से मैंने लॉग आउट कर दिया है, और लॉगआउट करने के बाद गूगल पे का आपको क्लियर डेटा कर देना है। यहाँ पे मैं क्लियर डेटा कर दे रहा हूँ। लॉगआउट करने के बाद आपको सेम नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ से मैंने नंबर टाइप कर दिया है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू ईमेल आईडी बना लेना है, उस ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ से मैं न्यू ईमेल आईडी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। न्यू ईमेल आईडी से आप साइन अप करेंगे तो आपको वेलकम वाला ऑफर फिर से शो कर देगा। तो यहाँ से मैं एक्सेप्ट ऑन कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब ये वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पे आपको ओटीपी डालना होगा। यहाँ से ऑटो वेरीफाई हो चुका है ओटीपी। अब आपको यहाँ से नो कर देना है, नॉट नाउ पे क्लिक करें। नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 40 रुपीज वाला वेलकम वाला ऑफर फिर से आ चुका है। या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो मैंने ऑफर पहले दिखाया था बिल्कुल सेम ऑफर यहाँ पे फिर से शो कर देगा। यहाँ पे ये पेज खुलने ही वाला है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दिया करो गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज खुल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपीज़ मिनिमम ट्रांसफ़र करना है बैंक अकाउंट में, और एक नंबर पे आपको ट्रांसफ़र करना है 50 रुपीज़, और यहाँ पे मर्चेंट पे 50 रुपीज़ सेंड करना है और रिचार्ज करना है 50 रुपीज़ का कम से कम, तो 40 रुपये आपको फिर से मिल जाएगा। और पैसा ही पैसा होगा। और इस टास्क को करने से पहले आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट था पिछले अकाउंट में, तो यहाँ से वो वाला बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं बैंक अकाउंट ऐड कर ले रहा हूँ पहले। तो मैंने बैंक अकाउंट ऐड कर लिया। यहाँ पे देखते हैं ऐड बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आपको टास्क कंप्लीट कैसे करना होगा, इस पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे।
गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको तीनों टास्क कंप्लीट कर लेना है। जब भी रिचार्ज करना होगा तो गूगल पे को ओपन करके यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नंबर टाइप कर देना है। नंबर टाइप करने के बाद अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको 40 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा। तीनों टास्क कंप्लीट करने के बाद आप रिचार्ज करेंगे, 40 रुपीज़ आपको कैशबैक इंस्टेंट मिल जाएगा अपने बैंक अकाउंट में, जो मैंने पिछले वाले अकाउंट में आपको दिखाया था। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। सो गाइज, आपको क्या काम करना है, जितनी बार भी आपको मोबाइल रिचार्ज करना होगा आप न्यू जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद ये तीनों टास्क आपको कंप्लीट कर लेना है, ये तीनों टास्क। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज कर लेना है, आपको 40 रुपीज़ कैशबैक इंस्टेंट मिल जाएगा। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो में बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिए और इसी तरह के लूडो पप्पा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।